आप सभी छात्रों को एक बार पुनः मेरे YouTube चैनल में वेलकम है। जैसे आप पिछले क्लास में कई सीरीज के माध्यम से जो छठे सीरीज तक हम लोग हिंदी व्याकरण के संदर्भ में अध्ययन कर चुके हैं, इसके बाद हम लोग आज सातवें सीरीज में अध्ययन करेंगे, जिसमें आप सातवें सीरीज में देखेंगे कि सातवां सीरीज का नाम क्रिया है। तो इस क्रिया के बारे में हम अध्ययन करेंगे, क्रिया क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्रिया के संदर्भ में बातें करेंगे, जिसमें क्रिया के बारे में आप जानते हैं कि क्रिया की अगर परिभाषा कहा जाए, इसकी परिभाषा क्या होता है, तो आप परिभाषा के संदर्भ में जानेंगे कि जिससे, अगर हम कहते हैं कि जिससे किसी कार्य के करने या होने का बोध हो, होने का बोध हो, उसे क्रिया कहते हैं। जैसे में अगर हम उदाहरण के रूप में लेते हैं कि आप यहां कहेंगे कि आना जाना पढ़ना लिखना, ये सब जितने शब्द आते हैं सब के सब शब्द क्रिया होते हैं। जैसे आप इसमें समझेंगे कि वैसे शब्द जो हमें किसी काम के करने या होने का बोध कराता है, यानी कोई भी शब्द, यानी जिससे किसी काम के करने या होने का बोध होता है, वैसे शब्द जिससे किसी काम के करने या होने का बोध होता है, वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। और क्रिया जो होते हैं, ऐसे क्रिया के संदर्भ में हम कह सकते हैं जिन शब्दों से किसी कार्य का करने या होना व्यक्त होता है, जो भी शब्द हो उस शब्द से किसी भी कार्य के करने या होने का बोध होता हो, उसे हम क्रिया कहते हैं। और क्रिया में जैसे यहाँ आपको दिखाया गया कि आना जाना हंसना पढ़ना रोना इत्यादि जो भी शब्द हैं सब क्रिया में आते हैं। अगर आप एक वाक्य में या एक वाक्य के संदर्भ में देखेंगे कि मैंने खाया, देखा जाए तो इसमें क्या होता है कि क्रिया यहाँ पे जो शब्द आता है कि मैंने खाया, तो खाने में, यानी मैंने खाया, खाने का काम जो मैंने किया, यहाँ खाया जो हुआ यह क्या हुआ, क्रिया हो गया। क्रिया के रूप में आप और भी बातें कह सकते हैं कि क्रिया के वे अगर रूप देखें तो कई रूप हो सकते हैं जो प्रत्यय और सहायक क्रिया के द्वारा बदले जाते हैं, और क्रिया के रूप में उसके विषय संज्ञा सर्वनाम के लिंग और वचन का भी पता चल जाता है। जो भी क्रिया का रूप होता है उसके विषय में अगर हम बात करें तो उसके वचन के बारे में, उसके लिंग के बारे में और उसके सर्वनाम के बारे में हमें पता चल जाता है। क्रिया ऐसे वो विकारी शब्द होते हैं। क्रिया के संदर्भ में और बातें आप समझ सकते हैं कि क्रिया वैसे विकारी शब्द कहलाते हैं जिससे किसी पदार्थ या प्राणी के विषय में कुछ है विधान किया जाता है, किसी भी तरह का विधान का कार्य यहां देखने के लिए मिलता है, अथवा जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं, वैसे शब्दों को हम क्रिया कहते हैं। जो क्रिया के संदर्भ में आपने देखा कि पढ़ना आना जाना हंसना, अब यहां हम बात करेंगे क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो क्रिया के मुख्यतः दो भेद होते हैं, यानी क्रिया के भेद में हम देखेंगे क्रिया के भेद, तो हम लिखेंगे इसमें कि क्रिया के मुख्यतः दो भेद होते हैं। क्रिया के मुख्यतः दो भेद होते हैं, या दो भेद आप देख रहे हैं कि एक होता है सकर्मक क्रिया, एक होता है सकर्मक क्रिया और दूसरा होता है आपका अकर्मक क्रिया। एक हुआ आपका सकर्मक क्रिया, दूसरा हुआ आपका अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के हिसाब से अब हम बातें करेंगे, लेकिन इससे पहले आप संरचना के आधार पर भी समझ लीजिए कि संरचना के आधार पर भी क्रिया के भेद होते हैं। तो संरचना के आधार पर क्रिया के 6 भेद होते हैं, यानी इस बात को आप फिर यहां लिखेंगे कि संरचना के आधार पर क्रिया के 6 भेद होते हैं। अब यहाँ 6 भेद का नाम आप समझ सकते हैं कि संरचना के आधार पर क्रिया के 6 भेद कौन कौन से होते हैं। तो 6 भेदों का नाम आप देखेंगे कि जिसमें सबसे पहला एक होता है आपका कि संयुक्त क्रिया हो गया, आप सबसे पहला लिखेंगे संयुक्त क्रिया। दूसरा इसका भेद हो जाता है, यानी संयुक्त क्रिया के बाद आप देखेंगे तो एक हो जाता है आपका नाम धातु क्रिया। इसके बाद आप तीसरे भेद के बारे में जानेंगे कि जिसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं।
प्रेरार्थक क्रिया हो गया। आप चौथे का नाम जानेंगे, जैसे चौथे का नाम पूर्वकालिक क्रिया होता है, पूर्वकालिक क्रिया। और पांचवे का नाम आप देखेंगे कि जिसे हम सहायक क्रिया कहते हैं, पांचवे का नाम सहायक क्रिया हो जाता है। और फिर इसी तरह से आप छठे का नाम देखेंगे जिसे हम तत्कालिक क्रिया के नाम से जानते हैं, तो अब इसमें हम बातें करेंगे कि जितने क्रिया के भेद है, यानी कि क्रिया के ऐसे मुख्यतः दो भेद हुए, जिसमें एक अकर्मक क्रिया हो गया, दूसरा आपका सकर्मक क्रिया हो गया। तो अकर्मक और सकर्मक के संदर्भ में हम अलग अलग इसका अध्ययन करेंगे, लेकिन इसके बाद अगर हम यहां देखें तो संरचना के आधार पर क्रिया के छह भेद यहां पाए गए, और छह भेद में आप देख रहे हैं कि संयुक्त क्रिया हो गया, नाम धातु क्रिया हो गया, प्रेरणार्थक क्रिया हो गया, फिर आप देखें कि पूर्वकालिक क्रिया हो गया, उसके बाद सहायक क्रिया हो गया, उसके बाद तत्कालिक क्रिया हो गया। तो इन सारे क्रिया के जो भेद हैं, इन भेदों के बारे में हम बारी बारी से चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहला इसका हमने देखा कि क्रिया के भेद में जो सबसे पहला आपका है कि अकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं अकर्मक क्रिया, तो इसके बारे में हम यहां देखेंगे कि अकर्मक क्रिया क्या है। तो अकर्मक क्रिया में आप देखेंगे, सीधे शब्द में आप इसको जानेंगे कि अकर्मक क्रिया का अर्थ ही होता है कि कर्म के, यानी कर्म के बिना, जिसमें कर्म ही नहीं होता है, यानी वैसा वाक्य जिसमें कर्म के बिना या कर्म रहित। अकर्मक क्रिया का अर्थ होता है, क्रिया का अर्थ होता है कर्म के बिना या कर्म रहित, हम कह सकते हैं। अर्थात इसको हम सीधे शब्दों में से जानेंगे कि वैसे वाक्य जिसमें कर्ता और क्रिया तो हो लेकिन कर्म नहीं हो, वैसे वाक्य को हम अकर्मक क्रिया के, क्योंकि उसमें अकर्मक क्रिया ही होता है जिसमें कर्म का प्रयोग नहीं होता है, उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। ये अर्थात जिन क्रियाओं को कर्म की जरूरत नहीं पड़ती है, वैसे क्रिया जिसका प्रयोग करने में किसी भी प्रकार के कर्म की जरूरत नहीं पड़ती है, या जो बिना प्रश्न पूछने पर कोई उत्तर नहीं देती, उन्हें हम अकर्मक क्रिया के नाम से जानेंगे। उसे ऐसे अकर्मक क्रिया जब हम कहते हैं, तो यहाँ एक बात और आता है कि जिन क्रियाओं का फल होता है, कोई भी क्रिया है, उन क्रियाओं का फल यदि व्यापार यानी कर्ता को मिलता है, उसे हम अकर्मक क्रिया के नाम से जानते हैं। अगर हम इसमें बात करेंगे कि अकर्मक क्रिया में, कि जैसे तैरना, कूदना, सोना, आना जाना, पढ़ना, हंसना, लिखना, गाना, देखना, सोना इत्यादि, सब जो भी शब्द हैं, या सब अकर्मक क्रिया के ही उदाहरण आते हैं। या हम इसको एक अलग ढंग से भी बता सकते हैं कि जिस क्रिया का फल, कोई भी क्रिया हो तो जिस क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है, जिस क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है, वह क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। इस क्रिया में कर्म का अभाव होता है। जैसे अगर हम बातें करते हैं कि श्याम पढ़ता है, श्याम पढ़ता है, तो श्याम पढ़ता है, यहाँ कर्म की जरूरत नहीं है। अगर हम फिर बात करते हैं कि यहाँ इस वाक्य में श्याम करता हो गया और पढ़ना क्या हो गया, क्रिया हो गया, यानी श्याम काम करता है पढ़ने का, तो पढ़ना क्रिया हो गया, यहाँ कर्म की कोई जरूरत नहीं है, यानी वो क्या पढ़ता है क्या नहीं पढ़ता है, यहाँ इससे कोई मतलब नहीं है इस वाक्य में। तो यहाँ यह अकर्मक क्रिया के रूप में इसका हम प्रयोग करेंगे। फिर हम देखेंगे यहाँ कि हाँ, तो जैसे मैं बता रहा था यहाँ कि सकर्मक क्रिया, आपका कर्मक क्रिया कंप्लीट हो गया। फिर आप देखेंगे सकर्मक क्रिया के बारे में, जैसे इसका दूसरा भेद है अगर सकर्मक क्रिया, तो सकर्मक क्रिया के बारे में देखेंगे दूसरा। सकर्मक क्रिया यानी कि अकर्मक आपका पढ़े कंप्लीट हो गया, तो सकर्मक क्रिया के बारे में देखेंगे कि सकर्मक क्रिया का यहां अर्थ ही होता है, यानी सकर्मक का अर्थ होता है कर्म के साथ या कर्म सहित। जैसे आपने देखा कर्मक में कि कर्म रहित, जिसमें कर्म नहीं हो, लेकिन यहां क्या होता है कि सकर्मक का अर्थ ही होता है कर्म के साथ या कर्म रहित। सकर्मक का अर्थ होता है कर्म के साथ या कर्म रहित। इससे तो आपको स्पष्ट समझ में आ रहा है कि जिस वाक्य में कर्ता हो, क्रिया हो और कर्म हो, तो समझिए कि कर्म के बिना जिस क्रिया का कार्य नहीं हो पाए, अर्थात हम ऐसे कह सकते हैं कि जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़कर
कर्म पर पड़ता है, यानी कि जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ने के साथ क्या होता है कर्म पर पड़ता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात जिस शब्द की वजह से कर्म की आवश्यकता होती है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। बातें समझ में आ रही है? या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस क्रिया में कर्म का होना जरूरी होता है, कोई भी क्रिया हो उसमें कर्म का होना जरूरी होता है, वह क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है। इन क्रियाओं का असर कर्ता पर न पड़कर कर्म पर ही पड़ता है, यानी जो भी क्रियाएं होती है इन क्रियाओं का असर कर्ता पर नहीं पड़कर कर्म पर भी पड़ता है। और सकर्मक क्रिया यानी कि इसका अर्थ ही हो गया कर्म के साथ। जैसे अगर हम बातें करते हैं कि विकास पानी पीता है, यानी कि विकास जो है पानी पीता है, पानी यहां पे क्या हो गया कर्म हो गया, और पीना क्या हो गया आपका क्रिया हो गया। तो इस तरह से इसमें पीता है जो आ गया कि विकास पानी पीने का काम करता है, यानी पीता है यह क्रिया जो है का फल कर्ता पर न पड़कर सीधे किस पर पड़ रहा है, तो आप देख रहे हैं कर्म पर इसका फल पड़ रहा है। तो इस तरह से आप सकर्मक क्रिया के बारे में समझें। अब सकर्मक क्रिया के बारे में आप देखेंगे कि सकर्मक क्रिया के मुख्यतः तीन भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया के भी तीन भेद होते हैं, जिसमें हम बातें करेंगे कि तीन भेद में एक आपका हो जाएगा एक कर्मक क्रिया। अगर हम दूसरा का बात करते हैं कि सकर्मक का दूसरा भेद जो होता है उसे हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं, और तीसरा का बात करते हैं तो उसे हम अपूर्ण क्रिया कहेंगे। तो सकर्मक क्रिया के ऐसे तीन भेद हो गए, जिसमें एक सबसे पहला आपका हो गया कर्मक क्रिया, दूसरा हो गया द्विकर्मक क्रिया, और तीसरा हो गया अपूर्ण क्रिया। तो एक कर्मक यानी एक कर्म जिसमें हो, द्विकर्मक यानी जिसमें दो कर्म हो, और अपूर्ण यानी इसके बारे में हम बारी बारी से समझेंगे कि जिस क्रिया में या जिस क्रिया के केवल एक कर्म से पूरे होने का पता चलता है, जो भी क्रिया हो उसे एक कर्म के पूरे होने का पता चलता है उसे हम एक कर्मक क्रिया के नाम से जानते हैं, यानी जिसमें एक कर्म के पूरे होने का पता चलता है उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अगर हम कहते हैं कि वो रोटी खाता है, तो वो रोटी खाता है यानी रोटी यहाँ एक ही कर्म है कि वह खाने का काम करता है, वह कर्ता हो गया, खाना यानी क्रिया हो गया, और रोटी क्या हो गया कि एक कर्म हो गया, तो यह एक कर्मक क्रिया में आता है। फिर आप देखेंगे कि द्विकर्मक क्रिया, इसको हम पूर्ण द्विकर्मक भी कहते हैं, इसको पूर्ण एककर्मक भी कहते हैं। तो यहाँ पूर्ण द्विकर्मक क्रिया की बात अगर हम करें तो द्विकर्मक का अर्थ होता है कि दो कर्म वाला या दो कर्म सहित, दो कर्म जो होता है दो कर्म के सहित होता है, जिस क्रिया के साथ दो कर्मों के पूर्ण होने का पता चलता है उसे हम द्विकर्मक या पूर्ण द्विकर्मक क्रिया के नाम से जानते हैं। फिर आप देखेंगे इसमें पहले जो कर्म प्राणीवाचक होता है, पहला कर्म आप देखेंगे कि इसमें पहला कर्म क्या होता है प्राणीवाचक यानी किसी प्राणी से संबंधित होता है, और दूसरा जो होता है वह निर्जीव होता है उसे हम द्विकर्मक क्रिया के नाम से जानेंगे। जैसे बातें करेंगे कि सोहन ने गुरुजी को प्रणाम किया, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सोहन ने गुरुजी को प्रणाम किया या उसे इस तरह से नर्स रोगी को दवा पिलाती है, नर्स रोगी को क्या करती है दवा पिलाती है, तो यह क्या हो गया कि यहाँ द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया। फिर आप देखेंगे अपूर्ण क्रिया के बारे में, तो अपूर्ण क्रिया जो होता है अपूर्ण क्रिया में कि जब क्रिया के होते हुए तथा, जो भी क्रिया हो क्रिया के होते हुए तथा क्रिया और कर्म के रहते हुए भी अकर्मक और सकर्मक जो क्रिया होते हैं, अकर्मक और सकर्मक क्रिया स्पष्ट अर्थ न दे पाते हैं, सकर्मक और अकर्मक क्रिया जो होते हैं स्पष्ट अर्थ नहीं दे पाते हैं, वह क्रिया क्या कहलाती है, तो अपूर्ण क्रिया कहलाती है। इनके अर्थों को पूरा करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ऐसे अर्थों को पूरा करने के लिए जिन शब्दों को हम प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अपूर्ण क्रिया के नाम से जानते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि तुम बुद्धिमान हो, मैं अगले वर्ष बन जाऊंगा, यानी कि इसे पूर्ण होने का बात नहीं हो रहा है, मैं अगले वर्ष बन जाऊंगा, यानी कि बन जाऊंगा का मतलब दो बातें आ रहा है यहां, या पूर्ण नहीं हो रहा है, मैं अगले वर्ष अध्यापक बन जाऊंगा, डॉक्टर बन जाऊंगा, क्या बन जाऊंगा, यानी या मैं जंगल के लिए बन जाऊंगा, या बातें अपूर्ण हो रही है, इसे हम क्या कहेंगे कि अपूर्ण क्रिया के नाम से जानेंगे। फिर आपने देखा यहाँ संरचना के आधार पर क्रिया के जो छह भेद होते हैं, या संरचना के आधार पर क्रिया के छह भेदों में, अब बारी बारी से छह भेदों के बारे में हम यहाँ वर्णन करेंगे,
ये छह भेद कौन कौन है जो नाम पहले भी बताया जा चुका है, और इसके बाद हम देखेंगे कि इसके परिभाषा क्या है कि संरचना के आधार पर जो क्रिया है इसके छह भेद है, जिसमें आप सबसे पहले जिक्र किए संयुक्त क्रिया का, तो संयुक्त क्रिया के बारे में आप जानिए कि एक में आपका संयुक्त क्रिया यदि है तो संयुक्त क्रिया का मतलब क्या है, संयुक्त क्रिया इसके बारे में जानने का प्रयास कीजिए कि जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बने होते हैं, जो क्रिया हम यहां लिख देते हैं कि जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बने होते हैं उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं, जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बने होते हैं उसे क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम इसकी व्याख्या करें तो दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर जब किसी एक पूर्ण क्रिया का बोध कराती है, दो या दो से अधिक क्रियाएं जब मिलती है और मिलकर किसी एक पूर्ण क्रिया का बोध कराती है तो उसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से संयुक्त क्रिया का परिभाषा आप यहां देखें, और जिसमें इसके बारे में आप देख रहे हैं कि जैसे में अगर हम उदाहरण देते हैं कि बच्चा विद्यालय से आया, किशोर क्या करने लगा तो रोने लगा, ये सब संयुक्त क्रिया के उदाहरण है। अब हम यहां बात करेंगे संयुक्त क्रिया के भी कुछ भेद होते हैं, और संयुक्त क्रिया के ऐसे 11 भेद होते हैं। संयुक्त क्रिया कुल कितने भेद होते हैं, तो 11 भेद होते हैं संयुक्त क्रिया के। अब इन सभी भेदों के बारे में हम बारी बारी से समझेंगे, जिसमें सबसे पहले आरंभिक हम कह सकते हैं, और उसके बाद हम यानी कि आरंभ बोधक के नाम से जानेंगे, जिसका सबसे पहला भेद है इसको हम आरंभ बोधक कहेंगे। सभी को हम बारी बारी से आपको समझा रहे हैं कि आरंभ बोधक क्रिया किसे कहते हैं, तो जिस क्रिया यानी जो संयुक्त क्रिया होता है कि जिस संयुक्त क्रिया के आरंभ होने का बोध होता है, जो भी संयुक्त क्रिया हो उसे आरंभ होने का बोध होता है उसे हम आरंभिक संयुक्त क्रिया के नाम से जानते हैं। और इसमें हम यह भी कह सकते हैं कि जैसे में वह पढ़ने लगा, तो वह पढ़ने लगा का मतलब क्या कि वह पढ़ाई का क्रम जारी कर दिया, यानी वह आरंभ कर दिया पढ़ने लगा, यानी कि वह पढ़ने का काम आरंभ कर दिया, इसलिए वह क्या हुआ कि आरंभिक, इसे हम आरंभिक संयुक्त क्रिया के नाम से जानेंगे। दूसरा आप देखेंगे कि समाप्ति बोधक क्रिया, यानी कि इसका दूसरा नाम है समाप्ति बोधक, दूसरे नाम में देखेंगे समाप्ति बोधक। तो समाप्ति बोधक के संदर्भ में आप समझेंगे कि समाप्ति बोधक का मतलब कि जिस संयुक्त क्रिया से मुख्य क्रिया की पूर्णतया या व्यापार की समाप्ति का बोध हो, यानी पूर्ण रूप से उसका पूर्णता या व्यापार जो होता है उसका समाप्ति का बोध होता है उसे हम समाप्ति बोधक के नाम से जानेंगे या समाप्ति बोधक क्रिया कहते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं कि वह खा चुका है, इसका मतलब है कि वह खाना खाने का काम कर चुका है यानी समाप्त कर चुका है, ऐसे क्रिया को हम समाप्ति बोधक क्रिया के नाम से जानेंगे। फिर आप तीसरा देखेंगे अवकाश बोधक, इसका तीसरा भेद है अवकाश बोधक। तो अवकाश बोधक के रूप में अगर हम बातें करते हैं कि अवकाश बोधक क्रिया किसे कहते हैं, तो जिस क्रिया को निरस्त करने के लिए अवकाश का बोध हो, जो भी क्रिया हो उसे निरस्त करने के लिए अवकाश का बोध होता है उसे अवकाश बोधक क्रिया कहते हैं। वह अवकाश बोधक से संयुक्त क्रिया है, जैसे अगर हम बातें करते हैं कि वह मुश्किल से सोने पाया, यानी वह यहां पे क्या है, अवकाश की बात हो रहा है कि वह बहुत ही मुश्किल से सो पाया है, यानी मुश्किल से ही सोने पाया है, तो इसका मतलब क्या है कि वह सोने का अवकाश अब ले चुका है लेकिन बहुत मुश्किल से, यानी मुश्किल जो शब्द है मुश्किल का अवकाश हो गया और वो सो गया, तो इस तरह से इसे हम अवकाश बोधक के नाम से समझेंगे। फिर आप देखेंगे इसके चौथे भेद के रूप में, जिसे हम चौथे रूप में कहते हैं अनुमति बोधक, तो अनुमति बोधक में हम बातें करते हैं कि जिसे कार्य करने की अनुमति दिए जाने का बोध होता हो,
जिस क्रिया से कार्य करने की अनुमति दिए जाने का बोध होता हो उसे अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं कि मुझे जाने दो, मुझे खाने दो, मुझे पढ़ने दो, यानी कि कहने का मतलब है कि मैं अनुमति लेने का यहाँ काम कर, यानी उसी सेंस में या उसी क्रम में हम बातें कर रहे हैं कि मुझे खाने दो, यानी खाने की हम अनुमति ले रहे हैं, मुझे पढ़ने दो, तो ऐसे अनुमति बोधक शब्द के संदर्भ में इसका प्रयोग हो रहा है। ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे, अनुमति बोधक शब्द के नाम से या अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया के नाम से इसको हम जानेंगे। फिर आप देखेंगे इसके छठे भेद में, जो छठा भेद आपका हो जाता है आवश्यकता बोधक, पांचवा भेद हो जाता है आवश्यकता बोधक, आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया। तो आवश्यकता बोधक में क्या हो जाता है कि जिस कार्य की आवश्यकता या कर्तव्य का बोध होता है, जिस कार्य की आवश्यकता या उसके कर्तव्य का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया के नाम से जानेंगे। जैसे अगर हम बात करेंगे कि यह काम मुझे करना पड़ता है, यह काम मुझे करना पड़ता है, यानी यहां आवश्यकता की बात हो रहा है कि यह काम करना तो पड़ता है, यह काम तो करना है लेकिन करना पड़ता है, यानी निश्चित रूप से मुझे ही यह काम करना पड़ता है, यहां आवश्यकता की बात आ रही है, तुम्हें यह काम करना चाहिए, यानी आपके आवश्यकता का बोध हो रहा है कि यह काम आपको करना चाहिए। फिर आप देखेंगे इसके छठवें प्रकार में, तो छठे प्रकार में देखेंगे नित्यत्व बोधक, यानी कि नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया। तो नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया में आप बातें करेंगे कि जिसे कार्य की नित्यता उसके बंद न होने का भाव प्रकट होता है, यानी वो कंटिन्यू लगातार चलते रहने का एक क्रम होता है, उसे हम क्या कहते हैं कि नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया के नाम से जानेंगे। जिसमें हम देखेंगे कि अगर हम बातें करेंगे कि हवा चल रही है, पक्षी उड़ रहे हैं, यानी कि पक्षी तो उड़ रहे हैं और ये नित्य उड़ रहे हैं, उसमें रुकने का बात अभी नहीं है, हवा चल रही है यानी नित्य रूप से वो चलने का काम कर रही है। ऐसे वाक्य में जो यहाँ पे क्रिया का प्रयोग किया गया है या क्या है, नित्यता बोधक के रूप में प्रयोग किया गया है। फिर आप देखेंगे सातवें में कि सातवें इसका भेद है निश्चय बोधक। निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया, तो निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया में जिसमें हम देखेंगे कि जिस संयुक्त क्रिया से कोई भी जो भी संयुक्त क्रिया का यहां प्रयोग किया जा रहा है, तो जिस संयुक्त क्रिया से मुख्य क्रिया के व्यापार की निश्चितता का बोध होता है, जिस संयुक्त क्रिया से व्यापार की निश्चितता का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया के नाम से जानेंगे या निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे में अगर हम बातें करेंगे कि वह बीच में या वह बीच में बोल उठा, वह बीच में बोल उठा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां निश्चय बोधक हो गया कि बीच में ही बोल उठा, उसने कहा मैं मार बैठूंगा। ऐसे जो क्रिया हुए क्या हुए कि आपके निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया के नाम से जानेंगे। फिर आप आठवें के रूप में, यानी कि यहां या सातवां हुआ, आठवें के रूप में आप देखेंगे कि इच्छा बोधक, जिसे आठवें के रूप में हम जानेंगे इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया। तो इच्छा बोधक में देखेंगे कि इससे क्रिया के करने की इच्छा प्रकट होते हैं, जो भी क्रिया करने की बात आती है तो क्रिया के करने की इच्छा प्रकट होती है, इसे हम इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया के नाम से जानेंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं कि मैं आपके घर आना चाहता हूं, तो यह मेरी इच्छा प्रकट होने की बात हो रही है, तो इसलिए ऐसे वाक्य को जो यहाँ इस वाक्य में क्रिया का जो प्रयोग किया गया है यह इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया का प्रयोग किया गया है। मैं पुस्तक पढ़ना चाहता हूं, मैं आपको हिंदी व्याकरण पढ़ाना चाहता हूं, तो इस तरह से जो बातें आता है यह संयुक्त बोधक या आपका इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया के नाम से इसको हम जानेंगे। फिर आप नौवें में देखेंगे, नौवां जो इसका भेद है अभ्यास बोधक। तो अभ्यास बोधक में जब आप बात करेंगे कि इससे क्रिया के करने के अभ्यास का बोध होता है, इससे क्रिया के करने का अभ्यास का बोध होता है, या सामान्य भूतकाल की क्रिया में करना, या सामान्य भूतकाल जो होता है सामान्य भूतकाल में क्रिया में करना, यानी क्रिया लगाने से अभ्यास का बोध होता है, उसे हम संयुक्त
उसे अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया के नाम से जानेंगे। जैसे अगर हम यहाँ उदाहरण देते हैं कि वह पढ़ा करता है, यानी वह काम तो कर रहा है लेकिन कौन सा काम कर रहा है, कि वह पढ़ा करता है, तो पढ़ा करता है यह अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया के रूप में यहाँ प्रकट किया गया। तो इस तरह से आप यहाँ पे यह समझ लिए कि यह अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया के नाम से इसको हम जानेंगे। फिर आप देखेंगे यहाँ कि इसका अगला जो भेद है जो दसवां के रूप में हम समझेंगे कि जिसे हम कहेंगे शक्ति बोधक। दसवां का भेद कौन सा हो गया? शक्ति बोधक। तो शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया, इसमें इससे काम करने की शक्ति का बोध होता है। शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया में क्या होता है कि इससे काम करने की शक्ति का बोध होता है, इसे शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे अगर मैं कहता हूं कि मैं चल सकता हूं, मैं चल सकता हूं, यानी मेरे चलने की शक्ति का बोध हो रहा है, इसे हम कहेंगे शक्ति बोधक। मैं पढ़ा सकता हूं, तो मैं पढ़ा सकता हूं यानी पढ़ाने की शक्ति का बोध हो रहा है, इसे हम शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया के नाम से जानेंगे। इसके बाद आप ग्यारहवें इसका जो भेद है और अंतिम भेद है संयुक्त क्रिया का, जिसे पुनरुक्त संयुक्त क्रिया के नाम से जानते हैं। पुनरुक्त संयुक्त क्रिया, तो इसमें हम बातें करेंगे कि जब दो समानार्थक अथवा समान ध्वनि वाले क्रियाओं का संयोग होता है, यानी दो तरह के समान या समान ध्वनि वाले क्रियाओं का जब बोध होता है, तब उन्हें पुनरुक्त संयुक्त क्रिया के नाम से हम जानते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं कि वह पढ़ा लिखा करता है, वह पढ़ा लिखा करता है का मतलब आप देख रहे हैं कि दो संयुक्त रूप से समान ध्वनि उत्पन्न करने वाले क्रियाओं का बोध हो रहा है। तो इस तरह आपके संयुक्त क्रिया के 11 भेद जो हुए, या 11वां भेद आपने देखा। अब आप यहां देखेंगे कि जो रचना के आधार पर आपका दूसरा भेद है, इस दूसरा भेद के बारे में हम देखेंगे कि नाम धातु क्रिया। तो नाम धातु क्रिया क्या है? नाम धातु क्रिया के बारे में हम समझेंगे जो इसका दूसरा भेद है। नाम धातु क्रिया, इसके संदर्भ में अगर इसकी परिभाषा आप समझना चाहते हैं तो संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जुड़ने से, यहां हम लिखते हैं कि संज्ञा अथवा विशेषण से के साथ, संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जुड़ने से, संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जुड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है, जो संयुक्त क्रिया बनती है जो भी संयुक्त क्रिया बनती है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम नाम धातु क्रिया के नाम से जानते हैं। उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। अब इसके बारे में आप समझना चाहते हैं, जिसमें देखेंगे कि संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जुड़ने से, जो संज्ञा और विशेषण के साथ क्रिया जुड़ता है तो उससे क्या बनता है? एक विशेष तरह का यहाँ जो संयुक्त क्रिया का निर्माण होता है उसे हम नाम धातु संयुक्त क्रिया के नाम से जानेंगे। जैसे अगर कहते हैं कि लुटेरों ने जमीन हथिया ली, लुटेरों ने जमीन हथिया ली, यानी हमें गरीबों को अपनाना चाहिए, हमें गरीबों को अपनाना चाहिए। तो जो क्रिया के रूप में इसको हम दूसरे ढंग से भी बता सकते हैं, जिसमें कहेंगे कि जो क्रिया संज्ञा सर्वनाम विशेषण अथवा अनुकरणवादी शब्दों से बनती है वे नाम धातु क्रिया के नाम से जाना जाता है, उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे ऐसे कितने शब्द हुए? हथियाना, बतियाना, दुखाना, चिकनाना, लतियाना, लठियाना, पनियाना, बिलगाना, स्वीकारना, धिकारना, शर्माना इत्यादि जो भी है, ये सब नाम धातु क्रिया के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इस तरह के बहुत शब्द का प्रयोग होता है। आप हिंदी के जो विशेष वर्णन होते हैं, हिंदी के जो पाठ्य पुस्तक होते हैं, उसमें ऐसे शब्दों का कई जगह पर प्रयोग आप देखेंगे। इस तरह से इसके बाद आप देखेंगे कि इसका तीसरा जो भेद है प्रेरणार्थक क्रिया के रूप में, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, तो प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब होता है कि जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि
कर्ता स्वयं कार्य न कर, कर्ता स्वयं कार्य न कर, यानी कर्ता जो होता है वो स्वयं कार्य नहीं करता है, और स्वयं कार्य न कर दूसरों को कार्य करने के लिए क्या करता है, दूसरों को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। अर्थात आप समझ रहे हैं कि जिस क्रिया से यह स्पष्ट होता है कि कर्ता स्वयं काम नहीं करता है और अपने काम को दूसरे को करने के लिए प्रेरित करता है, उस वैसे क्रिया को हम क्या कहते हैं, तो प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं कि काटना जो क्रिया है, तो काटना से कटवाना शब्द आ जाता है, यानी कटवाने का मतलब कि खुद नहीं काटकर किसी और से कटवाने का काम करता है। जैसे करना से कराना जो आ जाता है, तो करना शब्द से अगर हम कराना की बात करेंगे तो खुद नहीं करके वह किसी और से प्रेरणा देना कराने के लिए। पढ़ना अगर हम करते हैं तो पढ़ना से क्या होता है कि पढ़वाना शब्द आ जाता है। तो ऐसे शब्द जो करवाना, पढ़वाना, लिखवाना, दौड़ाना, ये सब जो भी आते हैं, ये सब क्या होता है कि प्रेरणार्थक क्रिया के रूप में आते हैं। और ऐसे प्रेरणार्थक क्रिया मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। अब प्रेरणार्थक क्रिया की हम बात करें तो इसके दो प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रकार में आप देखेंगे कि प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और दूसरा होता है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। पहला आपका हो जाता है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, और दूसरा इसका प्रकार हो जाता है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। पहला प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। तो इसको अब अलग अलग ढंग से आप समझने का प्रयास करें कि प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब होता है कि जैसे आप देखेंगे कि माँ, अगर हम बात करते हैं कि माँ परिवार के लिए भोजन बनाती है, माँ परिवार के लिए भोजन बनाती है, या जोकर सर्कस में खेल दिखाता है, ऐसे शब्दों का जब हम प्रयोग करेंगे तो इस वाक्य में कर्ता जो होता है या प्रेरक बनकर प्रेरणा दे रहा है। कर्ता जो है प्रेरक बनकर क्या कर रहा है, तो प्रेरणा देने का काम कर रहा है। फिर आप द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में देखेंगे कि माँ पुत्री से भोजन बनवाती है, माँ पुत्री से भोजन बनवाती है, जोकर सर्कस में हाथी से कर्तव्य दिखाता है। तो यहाँ पे माँ पुत्री से खाना बनवाने का काम कर रही है, यह प्रेरणा का बात है। और दूसरा है कि जोकर जोकर जो है वो खुद अपना कर्तव्य नहीं दिखा रहा है, हाथी से कर्तव्य दिखवाता है, यानी कि यह प्रेरणा की बात आ रही है। तो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो गया। इस वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है और दूसरे से कार्य करवाने का प्रयास कर रहा है, ऐसे क्रिया को हम द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया के रूप में जानेंगे। और फिर आगे हम बातें कर रहे हैं कि पूर्वकालिक क्रिया, यानी कि इसका जो चौथा प्रकार है, जो रचना के आधार पर आपको क्रिया के भेद बताए गए हैं, इसके बारे में आप देख रहे हैं, जिसमें इसका जैसे आपको अभी बताया गया कि यहाँ प्रेरणार्थक के बाद आप देखेंगे पूर्वकालिक क्रिया। तो पूर्वकालिक क्रिया के बारे में हम बातें करेंगे कि पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं। तो बारी बारी से इसके परिभाषा को भी अब अध्ययन करेंगे कि तीसरा इसका प्रकार है, चौथा प्रकार है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, तो पूर्वकालिक क्रिया में आप देखेंगे कि जिस वाक्य को, यानी कोई भी वाक्य होता है, जिस वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले यदि जिस वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले यदि कोई भी वाक्य हो, तो उस वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले यदि कोई क्रिया हो जाए, कोई भी क्रिया हो जाए, कोई क्रिया हो जाए, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। या हम ऐसे भी बता सकते हैं कि जब कर्ता एक कार्य समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाता है,
एक काम को अभी समाप्त करता है और उसी क्षण दूसरे काम में वह शुरू कर देता है, तो पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। यानी जो काम अभी समाप्त हुआ और उसके साथ साथ दूसरा काम शुरू हो गया, तो समाप्त किया हुआ कार्य जो होता है वह पूर्वकालिक क्रिया के नाम से जाना जाएगा। जैसे में आप देखेंगे कि पुजारी ने नहाकर पूजा की, पुजारी ने नहाकर पूजा की, तो यह नहाकर जो शब्द आ गया यह पूर्वकालिक क्रिया हो गया, क्योंकि पुजारी जो थे वह पूजा करने का काम अब जारी कर दिए, लेकिन अभी इसके तुरंत पहले किस काम का निष्पादन किए, तो नहाने का काम निष्पादन किए, तो नहाकर जो शब्द आ गया यह पूर्वकालिक क्रिया हो गया। जैसे आप और भी बातें करेंगे कि चोर सामान चुरा कर भाग गया, तो चोर तो भाग गया लेकिन वह भागने का काम जो किया उसके पहले क्या किया, तो सामान चुरा कर यानी चुराने का काम किया, तो चुरा कर जो शब्द आ गया यह पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। फिर आप इसके पांचवें भेद के बारे में बात करेंगे सहायक क्रिया के रूप में। पांचवा जो है सहायक क्रिया, तो सहायक क्रिया किसे कहते हैं इसके बारे में बातें करेंगे कि मूल क्रिया के साथ प्रयुक्त होने वाली जो भी क्रियाएं होती है उसे हम सहायक क्रिया के नाम से जानते हैं। मूल क्रिया के साथ, मूल क्रिया के साथ प्रयुक्त होने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहा जाता है या कहते हैं। मूल क्रिया के साथ प्रयुक्त होने वाली क्रिया को क्या कहते हैं, तो सहायक क्रिया कहते हैं। अगर जैसे हम बातें करते हैं कि वह फिसला, वह क्या हुआ, फिसला, वह फिसल गया, वह फिसला, वह फिसल गया, वह फिसल गया है। अब देख रहे हैं तीन वाक्य हो गए, वह फिसला, वह फिसल गया, वह फिसल गया है, जिसमें हम कहेंगे कि गया यहां सहायक क्रिया हुआ, यानी वह फिसल गया या क्या हुआ, सहायक क्रिया है, फिसल गया है, यानी वहां गया दोनों में लगा, तो यह क्या हो गया, सहायक क्रिया का यहां प्रयोग हुआ। अर्थात मूल क्रिया के साथ प्रयुक्त होने वाली क्रिया को हम क्या कहते हैं, सहायक क्रिया के नाम से जानते हैं। और इसका सबसे अंतिम भेद है जिसे हम कहते हैं छठा, तत्कालिक क्रिया। तत्कालिक क्रिया के बारे में, तत्कालिक क्रिया के बारे में अगर अध्ययन करते हैं तो इसमें हम देखेंगे कि यह क्रिया ही पूर्वकालिक क्रिया की तरह, यह क्रिया ही जो होती है, क्रिया ही पूर्वकालिक क्रिया की तरह, यह क्रिया ही पूर्वकालिक क्रिया की तरह मुख्य क्रिया से पहले खत्म होती है, मुख्य क्रिया से पहले खत्म होती है। यह क्रिया ही पूर्वकालिक क्रिया की तरह मुख्य क्रिया से पहले क्या होती है, खत्म होती है, लेकिन इनमें और मुख्य क्रिया के, लेकिन इनमें और मुख्य क्रिया, लेकिन इनमें और मुख्य क्रिया के में समय का अंतर न होकर, और मुख्य क्रिया में समय का अंतर न होकर, समय का अंतर न होकर क्रम का अंतर होता है, समय का अंतर नहीं होता है लेकिन न होकर क्रम का अंतर होता है, जिसे तत्कालिक क्रिया कहते हैं। तत्कालिक क्रिया कहते हैं। यहां बातें आपको समझ में आ रही है कि यह क्रिया इस प्रकार से होता है कि पूर्वकालिक क्रिया का जैसा भी प्रयोग हमने किया, तो पूर्वकालिक क्रिया की तरह मुख्य क्रिया से पहले क्या होता है कि खत्म हो जाती है, पूर्वकालिक क्रिया की तरह मुख्य क्रिया से पहले क्या हो जाती है, तो खत्म हो जाती है, लेकिन इनमें और मुख्य क्रिया में समय का अंतर देखा जाता है, समय का अंतर होता है, और समय का अंतर न होकर, यहां समय का अंतर नहीं होता है, और समय का अंतर न होकर क्या होता है कि यहां क्रम का अंतर देखा जाता है, समय का अंतर नहीं होता है लेकिन समय के साथ वो क्रम का अंतर देखा जाता है, यानी क्रम का अंतर होता है, ऐसे क्रिया को हम तत्कालिक क्रिया के नाम से जानते हैं, यानी ऐसे क्रिया को तत्कालिक क्रिया कहते हैं। अगर जैसे हम बात करते हैं कि वो आते ही सो गया, वो आते ही सो गया, माने यहां कहा गया कि वो आते ही सो गया, तो वह सो गया लेकिन आते ही, यहां क्या है कि आते या क्या हुआ, तत्कालिक क्रिया हो गया,
और आते ही क्या हुआ कि सो गया। तो इस तरह से आपकी क्रिया के संदर्भ में बहुत बातें हुई, और फिर हम लोग बातें करेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे अगले सीरीज में, आठवें सीरीज में जो इसके बाद का जो सीरीज बनेगा, जिस सीरीज के बारे में हम लोग फिर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम मिलते हैं अगले सीरीज में अगले विषय वस्तु के साथ, यानी हिंदी विषय हिंदी व्याकरण से ही अगले जो इसके प्रारूप है उस प्रारूप के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू, लेट्स ऑल।